चेष्टा कहाँ गई? तिलक लगाओ इनके। चेष्टा चेष्टा ए चेष्टा ए चेष्टा ये पंजे
Thank you.
व्हाट्सएप यूट्यूब वगैरह जो चलाते हैं या जो अखबार वगैरह भी देखते हैं, तो प्रत्येक पृष्ठ खोलते उसके ऊपर कोई ना कोई नकारात्मक सामग्री रहती है। आवाज आ जाएगी ऐसी? अभी चलाने का नहीं है। तो प्रत्येक अखबार के अंदर कोई ना कोई नकारात्मक समाचार आता है, कहीं कोई हत्या हो गई, कहीं किसी पिता ने पुत्र को अपने अधिकारों से वंचित कर दिया, कहीं पर पुत्र अपने पिता का हत्या कर रहा है, इसी प्रकार से कई बलात्कार की, छेड़छाड़ की, दुष्कर्मों की, इस प्रकार की प्रतिदिन समाचार पत्र भरे रहते हैं ऐसी घटनाओं से। सरकार ने इन सब के निवारण के लिए अनेकों कानून बनाए, जो भी कुरीतियां हैं कुरीतियां मिटाने के लिए अनेकों कानून बनाए, मृत्युभोज को बंद करने के लिए भी कानून बनाया, दहेज प्रथा को बंद करने के लिए भी कानून बनाया, छुआछूत जिसको भेदभाव उसको बंद करने के लिए भी सरकार ने अनेकों एक्ट बना लिए, मगर ये सारी बुराइयां समाज से कभी जा नहीं रही है, दिनों दिन और बढ़ रही है। तो कानून ये घटनाएं बढ़ क्यों रही है? क्योंकि कानून ये घटनाएं घटित होने के बाद में काम करता है, पहले काम नहीं करता है। ये घटनाएं घटित हो ही नहीं ऐसी, इसके लिए सही आचरण, सदाचार और लोक जागरण बहुत जरूरी है। महिलाओं के प्रति देखने का जो हमारा दृष्टिकोण है वो सही होना चाहिए। आपने रामायण के अंदर एक दृश्य देखा होगा या सुना होगा, जब माता सीता का अपहरण हो जाता है, रावण ले जाता है, तब हनुमान जी सुग्रीव वगैरह कुछ गहना लाकर राम के सामने रखते हैं, तो लक्ष्मण को राम गहना कहते हैं, देखो देख लक्ष्मण भैया, देख लक्ष्मण ये गहना तेरी भाभी का है क्या? तो लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं, मैं तो देखा ही नहीं। जब अंत में जो पांव के अंदर जो गहना पहना हुआ था वो गहना सामने आता, तब लक्ष्मण कहते हैं हाँ ये भाभी का ही है। क्यों? क्योंकि मैंने प्रतिदिन भाभी के चरणों के ही दर्शन किए, चेहरे के दर्शन भी नहीं किए, ऊपर क्या पहना हुआ था मैंने कभी दर्शन ही नहीं किए, ये भाव था उनका। हमारे यहाँ पर एक इस प्रकार का नैरेटिव चला रखा है कि हमारी जो सनातन है उसके अंदर महिलाओं को दोयम दर्जा दिया गया है, इस प्रकार का एक नैरेटिव चला रखा है, जबकि ऐसा कभी भी नहीं रहा है। हमारे यहाँ पर अनेकों विदुषी महिलाएं हुई हैं, एक पुरस्कार मिलता है गार्गी पुरस्कार, नाम सुना है ना, किस किसने सुना है गार्गी पुरस्कार का नाम? बहुत बढ़िया। तो गार्गी पुरस्कार एक गार्गी नाम की एक महिला थी, विदुषी महिला थी, उसके नाम पर मिलता है। 5-7 महिलाओं के मैं नाम बताता हूं जिनका वैदिक काल के अंदर उनका नाम रहा है, अरुण दत्त्य अनुसुईया च सावित्री जानकी सती द्रौपदी कर्ण की गार्गी मीरा दुर्गावती तथा लक्ष्मी रहिल्या चेनम्मा। इस प्रकार से अनेकों जो महिलाएं हैं जो हमारे इतिहास के अंदर हुई है और उन्होंने पूरी दृढ़ता से दुष्टों का सामना किया है। आज समाज के अंदर जो भी विकृतियां फैली हैं उन सब विकृतियों को दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके से बाल्यकाल के अंदर ही बच्चों को सही संस्कार देने का एक बहुत बढ़िया तरीका है कन्या पूजन का कार्यक्रम, हर परिवार में होना चाहिए। ये तो सामूहिक इसलिए करवाया गया इस बार कि सबको पता चले कार्यक्रम का, वरना हर परिवार के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम हजारों लाखों वर्षों से चले आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर देखने का दृष्टिकोण, कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं को दोयम दर्जे का स्थान दिया गया, मगर मैं कहता हूं कि मनुस्मृति जिसकी बहुत ज्यादा आलोचना करते कुछ लोग, उसी मनुस्मृति का एक श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते तत्र सर्वास्तु क्रिया अफला। जहां महिलाओं की यानी स्त्रियों की पूजा होती है, पूजा होने का अर्थ वो ढोल लंगड़ा बजाना वो नहीं है, पूजा होने का अर्थ है महिलाओं का सम्मान होना।
जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं, जहां इनका अनादर होता है, निरादर होता है, इनका मान सम्मान नहीं होता महिलाओं का, वहां सारी क्रियाएं अफल हो जाती है, निष्फल हो जाती है। इसलिए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर विद्यालयों के अंदर कन्या पूजन कार्यक्रम प्रारंभ कराने के लिए आदेश निकाला था। 2019 के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इन कार्यक्रमों की प्रशंसा करते हुए प्रत्येक विद्यालय के अंदर कन्या पूजन कार्यक्रम करने के लिए आदेश निकाला था। अभी 2-3 दिन पहले ही वर्तमान शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर, उन्होंने भी जब स्थान स्थान के ऊपर ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं इनकी प्रशंसा की, इन कार्यक्रमों की। इससे जब प्रतिदिन जब बालक एक श्लोक बोलता है यत्र नारीस्तु पूजन्ते, तब उसके मन में आता है कि उनकी पूजा करनी चाहिए। नारी को देखने का दृष्टिकोण, ये देवी स्वरूपा है, देवी का रूप है ये। इसलिए हमारे यहां पर नवरात्रि के अंदर 9 देवियों की पूजा का विधान किया गया है। हमारे यहां पर कहा गया है मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। पंडित यानी विद्वान, पंडित का तो तिलक निकालने वाला वो नहीं है, पंडित का तो था विद्वान। विद्वान किसको कहा गया है, जो जिसकी मन की विचारधारा कैसी है, मातृवत परदारेषु, यानी जो पराई स्त्री को माता के समान मानता है वो विद्वान है। हमारे यहां उदाहरण आता है स्वामी विवेकानंद जी का। जब विवेकानंद जी 1893 के अंदर 11 सितंबर 1893 के अंदर शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर बोलने के लिए खड़े हुए, उनके पूर्व जितने भी वक्ता थे, बोलने वाले, भाषण देने वाले जो भी लोग थे, सबने माइक लिया और एक ही बात कही, ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, सबने सुना, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। मगर जब स्वामी विवेकानंद का जब नंबर आता है सबसे अंत में, वो सनातन धर्म को प्रताड़ित करने के लिए सबसे अंत में नंबर रखा, उनका स्थान आया, मगर खड़े हुए तब उन्होंने कहा ऑल द अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तब ब्रदर्स एंड सिस्टर, लेडीज एंड जेंटलमैन अंदर उसका भाव अलग हो जाता है, एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऐसा कहा, तब तालियों की गड़गड़ाहट चालू हो गई। कई मिनटों तक पूरा जो पंडाल था तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। फिर विवेकानंद ने अपना वो ऐतिहासिक जो भाषण दिया था, आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हो, गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो, लगभग 3-4 घंटे तक उन्होंने वो भाषण दिया हमारे सनातन संस्कृति के ऊपर। जब बहुत सारे लोग उनसे उनको देखकर आत्मविभोर हो गए कि ऐसा सन्यासी और ऐसा होता है सनातन धर्म जो मातृशक्ति के प्रति इस प्रकार के भाव रखता है। सब अपने अपने स्थानों पर चले गए, कार्यक्रम पूरा हुआ, एक महिला उनके पीछे पीछे जाती है उनके कक्ष के अंदर जहां वो रुके हुए थे। अंदर गई तो उन्होंने सबसे पहले उनको प्रणाम कर दिया, भले वो उनसे आयु में छोटी रही होगी, नव युवती थी। उसने कहा देवी माँ आप इस समय अकेले कैसे पधारी, तो उसने कहा मेरी एक विनती है कि क्या कि मैं आप जैसा पुत्र चाहती हूं। क्या कहा, आप जैसा पुत्र चाहती हूं, यानी मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। तब उन्होंने क्या कहा विवेकानंद जी ने, उनके मन के अंदर कोई भोग विलास कोई भावना नहीं आई, उन्होंने एक ही बात कही कि जो मेरे मैं आपसे शादी करूंगा और आपको जो पुत्र होगा वो पुत्र मेरे जैसा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आप मेरी मां है और मुझे आप अपना पुत्र बना दो। ये हमारी संस्कृति रही है। जब शिवाजी के कुछ सैनिक सिद्धि जौहर नाम का उनके ऊपर जो आक्रांता था, मुसलमान उस समय सनातन को नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, तब सैनिकों ने वापस प्रत्याक्रमण किया शिवाजी के सैनिकों ने। तब कुछ उस विरोधी जो सेना थी उस सेना की महिलाओं को पकड़ के ले आए,
और शिवाजी के साथ में प्रस्तुत किया, तब शिवाजी ने अपने पुत्र को फटकार लगाई और सबसे पहला क्या काम किया, सबसे पहला काम किया उन जो जिन देवियों को वो सैनिक पकड़ के लाए थे, बुरी नियत से पकड़ो चाहे अच्छी नियत से पकड़ो, उन्होंने इस नियत से पकड़ा था कि महिला को जब पकड़ेंगे तो इनके सैनिक हमारे पास आ जाएंगे, सेनापति वगैरह आ जाएंगे, मगर उन्होंने वो नियत नहीं रखी। उन्होंने उनसे माफी मांगी कि मेरे सैनिकों की भूल है इसलिए आपके हाथ लगाया, और सैनिकों को फटकारा और कहा कि जाओ इन सबको वापिस ससम्मान इनके शिविर में छोड़ कर आओ। हमारा जो युद्ध है सैनिकों से है, उनकी जो विचारधारा उस विचारधारा से हमारा युद्ध है, हमारा युद्ध कोई महिलाओं से नहीं है। ये इस प्रकार का जो विचारधारा है वो विचारधारा हमारी सनातन की विचारधारा रही है, आदि अनादि काल से ये चल रहा है, पर पिछले जो 1000 साल का जो संघर्ष का काल रहा है, विदेशी आक्रांता विधर्मी आए यहां पर, उन विधर्मियों ने उन विदेशियों ने यहां पर आक्रमण किए, और आपने सुना होगा पद्मिनी का जौहर, उनकी विचारधारा बड़ी गंदी थी, इसलिए पद्मिनी स्त्री की नारियों को जौहर करना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने जब की सेना ने जब चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया, तब पद्मिनी के नेतृत्व के अंदर हजारों महिलाओं को जौहर व्रत करना पड़ा। जौहर व्रत क्या होता पता है, आग जलाकर उसके अंदर जीते जी कूद जाना और अपने आन बान और शान की रक्षा करना। पुरुष होते पुरुष अपनी मान मर्यादा की रक्षा करने के लिए युद्ध के अंदर बलिदान देते हैं, और महिलाएं अपनी इज्जत आबरू और सम्मान अस्मत बचाने के लिए कि ये दोष हमारे मरे हुए शरीर के भी हाथ नहीं लगा सके। ऐसा हुआ अभी पिछले वर्ष 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इसराइल के कुछ एक होटलों के ऊपर हमला किया और वहां की मातृशक्ति को पकड़ के आज दिन तक अभी भी बंधा हुआ, सुबह शायद किसी ने समाचार आज पढ़ा या कल पढ़ा था, हजारों लोग बंदी बना दिए जाते हैं इस प्रकार से। मगर हमारे यहाँ पर कभी भी महिलाओं का अपमान करने का कोई उदाहरण नहीं मिलता है, हमारे यहाँ महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा गया है। आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति सो पंडित, जो अपने समान ही दूसरों के अंदर आत्मा को देखता है, जैसा जीव मेरे अंदर है वैसा जीव सबके अंदर है आपके अंदर भी है, वैसा देखने वाला व्यक्ति ही पंडित या विद्वान कहने का अधिकारी होता है। इतना कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। महिलाएं चाहे नारी हमारे देश में हमेशा से पूजित रही, मान सम्मान का विषय रहा है। आज हम आपको सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि आपके आचरण भी ऐसे हों कि आपके माता पिता आपके भाई आपके शिक्षक आपके गुरु भी सम्मान की समाज से अपना सिर ऊंचा उठा के रह सके, इसमें आपकी भी भूमिका है। समाज बदल रहा है, ट्रांजिशन पार्ट है, तो कई बार हमें अच्छे बुरे की परवाह नहीं होती है, तो आप लोगों से आज पूजित तो हमने आपको पूजा है और सम्मान भी रखते हैं, लेकिन ये भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारे सम्मान को भी बचाए रखें, समाज इसी तरह से आगे बढ़े। चलिए आज अच्छी बातें बताइए, 9 जो देवियों के नाम बताए, 9 दिन जो पूजा होती है। देवी पुराण में 2 साल से लगा के 10 साल तक की कन्याओं को पूजने का विधान है। 1 साल का बच्चे कुछ भोजन नहीं करते, इसलिए माना जाता है कि उसको भोजन उस समय नहीं कराते। 2 साल से लगा के 10 साल तक की कन्याओं को पूजा जाता है। उनके कुछ नाम है, कुछ कुछ मुझे याद आ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि सारे नाम रिकॉल हो जाए। 2 साल के बच्चे को कुमारी, और किसी और का भी हो तो मुझे थोड़ा चेक कर ले। 2 साल की कन्या का जो पूजन करते हैं उसको बोलते हैं कुमारी। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 की रोहिणी, 7 की शायद चंडिका,
आठ और नौ की दुर्गा और दस की सुभद्रा। इस तरह से दस साल तक की कन्याओं का नाम है, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, मुझे याद है। दो साल कुमारी, तीन साल क्या बताया मैं त्रिमूर्ति, चार साल कल्याणी, पांच क्या बताया मैंने चंडिका रोहिणी, सात का चंडिका है, और लास्ट में है दस साल की वो रोहिणी सॉरी सुभद्रा। इस तरह से है, कुछ रिकॉल कम से हो रहा है, लेकिन हमारे कहने का मतलब यही है कि पूजने की जो परंपरा है वो यही है कि हमने सनातन धर्म में नारी को उच्च स्थान दिया है। हमारी उत्पत्ति ही नारी से हुई है, किसी भी प्रकार की जो उत्पत्ति होते है, चाहे पृथ्वी भी है, पृथ्वी से भी जो उत्पन्न होता है, तो पृथ्वी को भी माता माना गया है, जिसने उत्पन्न किया वो माता है। तो हमारे मन में हमेशा से सम्मान है, हमारा समाज भी उसको सम्मानित करता नहीं, कई दूषित चीजें आई है उसको हमें नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना है। और बालकों को भी मैं यही कहूंगा कि केवल बालिकाओं के पूछने की बात नहीं, आपके मन में भी उनके प्रति वही अच्छे भाव होने चाहिए। आज आपने तालियां बजाई ना, बजाई, मुझे पता है किस बात पे बजाई, जब आपको आपने ये सुना कि माँ सीता ने ये कहा कि मैंने तो कभी ऊपर के गहने नहीं देखे, मैंने तो कभी नजर उठा के देखा ही नहीं, मैंने तो केवल चरणों की। चलो चलो आगे, मुझे थोड़ा सा आ रहा था। कुमारी दो साल, त्रिमूर्ति तीन साल ठीक था मैं, कल्याणी चार साल, उसके बाद रोहिणी पांच, फिर कालिका छह वर्ष, चंडिका सात वर्ष, सांभवी आठ वर्ष, सांभवी नौ वर्ष की बालिका दुर्गा, और दस वर्ष सुभद्रा। दो तीन में कहीं कहीं स्लिप हो रहा था, तो आप लोग भी याद रखें, दो साल से लगाकर दस साल तक की कन्याओं को जो पूछने का विधान है उनमें हमने अलग अलग उम्र की कन्याओं को अलग अलग नाम दिया। और आज प्रसाद के रूप में सर ने आप लोगों के लिए खीर की व्यवस्था की है, 5-10 मिनट लेट भी हो सकता है तो आप शांति से उसको ग्रहण करेंगे प्रसाद के रूप में। और थैंक यू सर ने अपने सनातन धर्म की जो महिमा है उसका काफी अच्छी तरीके से व्याख्यान किया। इस प्रकृति का जो आधार है वो मातृशक्ति है, इनके बिना इस प्रकृति की कल्पना करना भी मुश्किल है। अभी आपको पता है नवरात्रि चल रही है और सर ने आज जो कन्या पूजन का प्रोग्राम रखा वो काफी सराहनीय है, आप सभी पूजनीय हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसे सर ने बताया कि काफी अपने को एक्ट की आवश्यकता रह रही है सरकार इन दुष्कर्मों को बचाने के लिए। कल परसों की बात है, मेरे गांव की दो लड़कियां उसी आ रही थी 4:20 के आसपास में, तो दो कोई चवन्ने ऐसे लड़के हैं, उसकी लड़की मतलब जो स्कूटी थी उस पर उसके टक्कर मार दी और उसका दुपट्टा उसने खींच लिया। लेकिन दोनों लड़कियों को धन्यवाद, दोनों मेरे स्टूडेंट है वो, दोनों को धन्यवाद, उन्होंने डरी नहीं वो और उसने अपना दुपट्टा छुड़ाया और सबसे पहले कॉल किया अपने पापा को। पापा को कॉल किया, उनके पापा ने कहा बेटा घर पे नहीं आने दूंगा अगर तुम लोगों ने इनका बराबर पीछा नहीं किया। उन लड़कियों ने भी हिम्मत आई उनको, उनके साथ वो दुपट्टा खींच के भाग गए, पेवाले गांव की तरफ गए, वो गांव में अंदर अंदर गए, कोई लड़के थे नहीं थे, उन्होंने पीछे चिल्लाए थे जिनको रोको रोको रोको, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। उसके पीछे साकुनी मार्ग आता है टेवाले के पास में, आप इधर गांव से घूम के उधर गए, वो उनके पीछे पीछे वो लड़कियां बराबर लगी रही। उसके बाद में वहां से मारू कुमारों की ढाणी आती है, उस तरफ वो चलने लगे, फिर दोनों बच्चों ने देखा कि ऐसे भाग रहा है, दो पत्थर लिए दो मारे वहां दोनों नीचे। तब तक उनके पिताजी आ गए और पिताजी उनके साथ खाए, 7-8 लड़कियां थे, बड़ी तबियत से उनकी धुनाई हुई। उसके बाद में कल बच्ची गवाही देने गई तो उसका कॉल आया मेरे पास कि सर मैं इन डायलेमा कंडीशन में हूँ, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, मुझे क्या करना चाहिए। मैं क्या हुआ कि सर ऐसी घटना हो गई, उस समय मैं भी उसी में ही था लेकिन मैं 3:20 पे वहां से निकल गया था, अगर मैं भी वहां होता तो मेरे को भी थोड़ा हाथ धोने का मजा आता, लेकिन सौभाग्य था मैं नहीं था। और उसको मैंने कहा अगर मैं तेरे साथ होता तो मैं तेरे साथ दवा देने चलता, तो क्या सर उसके बच्चे होंगे, पॉस्को लगेगा तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी,
मैं कि ये सारी चीजें उसको सोचनी थी तुम लोगों को नहीं, तो कल वो दोनों बहने गवाह देके आई है और उनका पक्का इलाज हो जाएगा। तो बेटा डरना नहीं है किसी बात से, घबराना नहीं है, हमारे साथ सारे वो एक्ट हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। हमें इस सनातन को, इस सृष्टि को बचाने के लिए संघर्ष तो करना है। जैसे अभी नवरात्रि चल रही है तो नौ माताओं की पूजा होती है। जैसे अभी थोड़े टाइम मैंने किसी बच्चों से भी पूछा था, तो पहली माता शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मंडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यानी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं माँ गौरी, नवी सिद्धिदात्री। तो ये नौ माताओं का पूजन होता है और उसमें भी देखो स्टेप बाय स्टेप। शैलपुत्री जो सबसे छोटी, मतलब जिसका समझ लो शैल का मतलब होता है पर्वत, पर्वत की पुत्री, उसके बाद में ब्रह्मचारिणी, वो सारा ऐसा रूप आता है और अंत में जस वो महागौरी जिस रूप में, या कालरात्रि सॉरी, उसका तो जैसे ही वो रूप बताती है ना तो दुनिया प्रणाम करती है। तो बेटा जब भी आपको आवश्यकता रहे कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, तो आपको भी वही रुद्र रूप लाना है ताकि दुनिया आपको प्रणाम करे। धन्यवाद।